Hello you all, I am back with another Adobe Muse tutorial. In this video tutorial, I am going to show you how to create a drop down menu in Adobe Muse. So let's get started. सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को Adobe Muse खोल लेना है और जो हम प्रोजेक्ट पहले जो बना रहे थे उस पर ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, होम खोल लेता हूँ. उसके बाद क्या करना है, सब सेम होता है दोस्तों इसमें. जैसे कि आप लोग ये पहले जो मेन्यू क्रिएट किए हैं सेम वही है. आपको क्या करना है, विजेट लाइब्रेरी पर जाना है, मेनू पे क्लिक करना है. उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो मेनू है उसको आपको ड्रैग ड्रॉप करना है. उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का आइकॉन दिख रहा है छोटे से, इसको क्लिक करना है. और उसके बाद जो टॉप लेवल पेज जो है मेनू टाइप, उसको आपको क्या करना है, मैनुअली कर लेना है. ठीक है, मैनुअली करने से, मैंने आपको पहली वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि मैनुअली करने से क्या होता है. तो इस मैनुअली में आपको क्या करना है कि पहले तीन मेनू आप लोगों को ले लेना है. मैं रीनेम कर देता हूँ, ये देखिए मैंने रीनेम कर दिया इसका. अब क्या करना है कि आपको जिसकी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है उस, जैसे कि ये आपका हो गया, इस पर आपको डबल क्लिक करना है. पहला क्लिक करने से आपको क्या होता है, पूरी सेलेक्ट करेगी और डबल क्लिक करने से एक सिंगल को सिलेक्ट कर लेगी. जैसे कि मुझे होम पे मेन्यू बनाना है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है. तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ये एक आ गया. आप चाहे तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ की हो, कितनी हाइट हो, वो सब आप सारे इस पर. उसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके फिर क्लिक करेंगे. आपको जितनी बनानी है उतनी बना सकते हैं, आप लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं. जो हाइट और विड्थ की बनाना चाहे उस हाइट और विड्थ की बना सकते हैं आप. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि मुझे इस, ये जो मेन्यू है हमारा, हम इसे कस्टमाइज़ करते हैं इस मेन्यू के हिसाब से. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रख लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और इसकी जो कलर है नॉर्मल में, इसकी कलर को क्या कर दीजिए आप, पूरी हटा दीजिए. उसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप ब्लैक या वाइट ही रहने दीजिए. आपको क्या है, जो कलर है यहाँ पे रोल ओवर पे, रोल ओवर का आपको डिलीट करना है और रोल ओवर पे कलर आपको देना है. मैंने कॉपी कर रखा है सो मैं डायरेक्टली इस पर पेस्ट कर दूँगा. मुझे रोल ओवर पर ये कलर चाहिए, जो मैंने इस पे दिया था वो मुझे यहीं पे चाहिए. तो ये ऑटोमेटिक ये सब पे हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, मुझे मुझे माउस डाउन पे सेम कलर चाहिए और ये जो एक्टिव पे मुझे ये नहीं चाहिए, एक्टिव पे मुझे चाहिए जो मैंने इस पे सेट किया था, मुझे वो सेम वही चाहिए. मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ. तो ये हमारा हो गया. अब सब मेन्यू की बारी, अब इस पे क्या करना है आपको, सेम है नॉर्मल पे मुझे कोई भी कलर नहीं चाहिए. रोल ओवर पे मुझे, मैंने कलर पहले कॉपी कर रखा है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली. उसके बाद मुझे एक्टिव पे ये कलर सेट करना है, ये मैंने सारे को कर दिया. अब बारी है हम स्टॉक को हटाते हैं. आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा स्टॉक है, जैसे कि ये देखिए हमारा स्टॉक वन सेट है. तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ ताकि मुझे कोई स्टॉक ना दिखे, ठीक है. सेम इसमें भी सारे को हो गया. अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं ऊपर लेके जाऊंगा और इसके साथ मिला देता हूँ, इसे और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि वो सेम लगे पहले जैसा. अब हम इसे पेज एंड प्रीव्यू करते हैं. ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेम जैसा यहाँ पे है सेम वहाँ पे ऐसा क्रिएट हो गया. ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई हमारी, ये देखिए. अब इसमें जैसे कस्टमाइज़ किए हैं आपको इसमें भी वैसे कस्टमाइज़ करना है, तो आपकी इसकी भी कलर सेम इसकी तरह हो जाएगी. ऐसे करके आप सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं. तो इस ट्यूटोरियल के लिए थैंक यू दोस्तों. अगले और ट्यूटोरियल के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो. प्लीज़, जय हिंद.